नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो है इंडिया और चाइना, यानी कि इंडिया और चीन के बीच में जो सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, कॉन्ट्रोवर्सी जो चल रहा है, जो टेंशन दोनों ही कंट्रीज के बीच में भी है, उसको लेकर है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों विवाद अभी हो रखा है इंडिया और चाइना के बीच में, कौन से वो कारण हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसे और कौन से कारण रह चुके हैं जिनकी वजह से पास्ट में, यानी कि पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और इन फ्यूचर भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं जो रीजंस बताऊंगा, जो कारण बताऊंगा विवाद को, उसको मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो पहला पार्ट है, उसमें मैं उन कारणों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी वजह से अभी जो करंट सिचुएशन बना हुआ है, वो कारण बताऊंगा कि किन कारणों की वजह से अभी जो टेंशन है वो है। और दूसरे पार्ट में मैं उन कारणों के बारे में बताऊंगा, रीजंस के बारे में, जिसकी वजह से पास्ट में इंडिया और चाइना के बीच में विवाद हुए थे और वॉर भी हो रखा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो टेंशन है दोनों ही कंट्री के बीच में, उसके अगर हम आसान भाषा में समझें तो तीन मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि दोस्तों, चाइना जो है वो हमेशा एक्सपेंशन की पॉलिसी है उसकी, उसको अगर अपने कंट्री के अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर उसको एक्सपेंड करने का मौका मिलता है तो उस मौके को छोड़ता नहीं है। तो इंडियन बॉर्डर से सटे जो उसका एरिया है, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोड्स, ब्रिजेस, ये काफ़ी ज़्यादा वो डेवलप कर चुका है। उसके मुकाबले अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी काफ़ी लेस डेवलप्ड है अलॉन्ग दी बॉर्डर। अगर LAC के अलावा हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो वहाँ पे इंडिया का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम कंपेयर करेंगे चाइना से, तो इंडिया काफ़ी पीछे है। लेकिन पीछे था, लेकिन अब इंडिया पिछले कुछ वर्षों से, 10-12 वर्षों से, इंडिया ने भी अपने सभी बॉर्डर के आसपास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा और टाइम खर्च किया है। तो दोस्तों, जब भी इंडिया अपने डायनेमिक्स को, जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश करता है, कुछ रोड बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, तो इससे चाइना को इरीटेशन होती है और वो उस काम में बाधा डालने की कोशिश करता है इन्हीं तरीकों के फेस ऑफ करके, टेंशन क्रिएट करके। तो दोस्तों, ये पहला कारण था। दूसरा कारण है कोरोना वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस क्योंकि अभी इस वक्त दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, और खासकर अगर मैं बात करूं जो पावरफुल मुल्क है, जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज है, ये आप समझ सकते हैं कि जिनके पास सब कुछ है, तो मैं उन कंट्रीज़ की बात करता हूं, लाइक ऑस्ट्रेलिया। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो उसका ईजाद जो हुआ है चीन से हुआ है, चीन ने इसका ईजाद किया, यानी कि वुहान के लैब में ये वायरस पैदा किया गया है। तो दोस्तों, बहुत से जो कंट्रीज़ हैं, लगभग सभी कंट्रीज, अगर कुछ कंट्रीज को छोड़ दिया जाए, तो वो चाइना इसमें इंक्वायरी चाहती है कि इंक्वायर किया जाए, ताकि कमेटी बनाया जाए और इस पर इंक्वायरी चलाया जाए, किया जाए कि ये प्रूफ कर दिया जाए कि जो कोरोना वायरस है वो चाइना से ही आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडिया ने भी, आप यूँ नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्टली, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली इन सभी स्टेटमेंट के या इन सभी कंट्रीज़ का सपोर्ट किया है। और दोस्तों, तीसरा जो कारण है वो है इंडिया US के रिलेशन। दोस्तों, इंडिया US का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे सुधर रहा है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो USA और चाइना के जो रिलेशन है पिछले कुछ टाइम में, काफ़ी ज़्यादा, कुछ वर्षों में आप कह सकते हैं, 2018 के बाद से काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब फिलहाल तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, इससे बेकार तो फिर से वॉर ही बचता है। क्योंकि दोस्तों, अभी जो US है वो हर दिन कोई ना कोई एक नया स्टेटमेंट दे रहा है। वहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो हर दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। जैसे कि तिब्बत के ऊपर कभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और तिब्बत पे तो एक बिल भी पास हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, तब आपको तिब्बत का इशू क्या है वो समझ में आएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे दोस्तों बात हो हांगकांग की, तो बहुत सारे इशू पे अब US जो है वो चाइना को घेर रहा है। तो दोस्तों, चाइना और US के जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, दूसरी ओर इंडिया और US का रिलेशन काफ़ी सुधर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इसको स्ट्रेटजी के तौर पे देखेंगे, डिप्लोमेट स्ट्रेटजी के तौर पे, तो चाइना नहीं चाहेगा कि इंडिया का US के साथ रिलेशन अच्छा हो, और US जो है वो किसी भी चीज़ में इंडिया का सपोर्ट करे। इसके लिए इनडायरेक्टली चाइना जो है वो वार्न भी करता है इंडिया को कि आप अपने US के साथ ऐसे रिलेशन ना बनाए, और US जो है आपको उकसा रहा है वॉर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसके उकसावे में ना आए। तो दोस्तों, ये थे तीन कारण। और ऐसे अभी सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है इस वक्त का, वो चाइना के खिलाफ, एंटी चाइना है। तो ये जो थे तीन कारण था जिसकी वजह से अभी वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रखा है। अब दोस्तों, इंडिया का इस टेंशन में क्या रिएक्शन रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इंडिया का हमेशा से, चाहे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे,
उनसे लेकर अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इंडिया का हमेशा से रिएक्शन रहा है, इंडिया कभी भी पहला ऑप्शन मिलिट्री नहीं रखता है। इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि जो भी इशू आया है उसको डिप्लोमेट के लेवल पे बात करके सुलझा लिया जाए, मसले को बात करके ही सुलझा लिया जाए, बातचीत से वॉर का सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो दोस्तों इस बार भी जो हमारी गवर्नमेंट थी वो वॉर के लिए तो ठीक है इनडायरेक्टली हम रेडी होते हैं, लेकिन हम इसको पहला ऑप्शन नहीं रखते हैं जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज वॉर का पहला ऑप्शन रखते हैं। तो दोस्तों इस बार भी बातचीत से मसला सुलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली चाइना पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज हैं जिनको बातचीत से कोई मसला नहीं सुलझ पाता है, उनके लिए तो फिर कुछ और ही करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं, चाहे वो वॉर हो या और दूसरा रास्ता हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंडिया का रिएक्शन यही रहा है कि इंडिया बातचीत के सहारे इस मसले को सुलझाने की कोशिश किया है। अब दोस्तों ये मैंने कहा था कि दो पार्ट में, तो पहला पार्ट दोस्तों मैंने आपसे शेयर कर लिया कि इन तीन कारणों की वजह से फिलहाल जो टेंशन बना हुआ है इसके ये तीन कारण थे। अब दोस्तों इसके अलावा और क्या क्या कारण है उसको जानते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो कारण है वो है तिब्बत और दलाई लामा। तिब्बत पर मैंने आपको कहा कि आप उसका वीडियो जाके देखिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको क्लियर हो पाएगा कि तिब्बत का क्या इशू है और इन तिब्बत के इशू पे इंडिया का क्या रोल है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उस वीडियो को आप देखिए। दोस्तों दलाई लामा को भी लेकर जो है चाइना और इंडिया में बहुत बार कन्फ्लिक्ट होता है, तो दलाई लामा पे अभी एक वीडियो अपलोड होने वाला है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा तो उसमें आप बेटर समझ में आएगा। तो दोस्तों इसमें बस इतना ही बता रहा हूँ कि तिब्बत और दलाई लामा भी एक कारण है जिसकी वजह से इंडिया और चाइना में कन्फ्लिक्ट होता है। दोस्तों उसके बाद कारण आता है ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर, इस रिवर के वाटर को लेकर भी कन्फ्लिक्ट होता रहता है। दोस्तों एक और रीजन है इंडियन ओशन में किसका ज़्यादा डोमिनेंस हो, चाइना का हो या इंडिया का हो। तो दोस्तों दोनों ही कंट्री जो है इस चक्कर में लगे रहती है कि हमारा डोमिनेंस ज़्यादा हो, और चाइना जो है वो इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। दोस्तों चाहे वो पाकिस्तान का एक बंद पोर्ट को अपने कब्जे में ले, या हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका में उसको अपने कब्जे में ले किसी भी तरीके से, तो दोस्तों इंडिया का जो ट्रेड रूट है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, इंडिया को परेशान करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर भी दोनों कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। इसके बाद साउथ चाइना सी है, वहाँ पर भी किसका डोमिनेंस हो, तो वहाँ पर भी तो इंडिया के साथ साथ फिलीपींस, वियतनाम, इनके साथ भी चाइना का कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और क्योंकि उसमें बीच में यूएस की भी जो मिलिट्री है, उनके जो नेवी है वो भी वहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर यूएस भी इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली। तो साउथ चाइना सी को लेकर तो चाइना का बहुत से देशों के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। दोस्तों उसके बाद आता है एक मेजर फैक्टर, पाकिस्तानी फैक्टर। दोस्तों मैं पाकिस्तानी फैक्टर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक टाइम पे ही आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन चाइना जो है पाकिस्तान का हमेशा से दोस्त रहित ऐसी रहा है, और वो चाइना को फाइनेंशियल एड यानी कि इकोनॉमी को वहाँ के स्ट्रॉन्ग करता है, पैसे देता है, कर्जा देता है और पॉलिटिकल बैकिंग देता है। जब भी इंटरनेशनल फोरम में अगर पाकिस्तान को कहीं सपोर्ट चाहिए होता है तो चाइना हरदम तैयार रहता है। इसके बदले में पाकिस्तान क्या करता है, तो दोस्तों आपने सीपैक के बारे में सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पीओके से होकर गुजरता है, और दोस्तों तो वहाँ पे चाइना ने एक तरह से ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान ने चाइना को रास्ता दिया, गेटवे दिया कि आसानी से ईरान एंड बाकी कंट्रीज के साथ चाइना ट्रेड कर सके। दोस्तों यहाँ पे जो पीओके का मामला है इसको भी मैं एक वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इंडिया को पीओके जल्द से जल्द अगर कब्जा करता है, इंडिया अपने वापस लेता है पीओके को, तो चाइना को कैसे झटका लगेगा, क्योंकि सीपैक जो है वो चाइना का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अगर उसको झटका देना तो पीओके को अपने देश में मिलाना पड़ेगा, तो चाइना को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा उसके ट्रेड को। तो दोस्तों ये टॉपिक मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अभी मैंने आपको इन कारणों के बताए जैसे तिब्बत, दलाई लामा, ब्रह्मपुत्र रिवर, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन एंड पाकिस्तान फैक्टर। इसके अलावा और भी फैक्टर है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में भी कंपटीशन लगा रहता है इंडिया और चाइना के बीच में कि इन कंट्रीज पे किसका ज़्यादा प्रभाव हो, डोमिनेंस किसका हो। तो यहाँ पे भी जब चाइना ऑलरेडी श्रीलंका पे डोमिनेंस जमाने की कोशिश करता है, वहाँ पे जब इंडिया जाता है तो फिर चाइना को प्रॉब्लम होता है, तो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि इस एरिया में किसका ज़्यादा डोमिनेंस हो। इसके अलावा दोस्तों अफ्रीका जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है और एक बहुत ही पोटेंशियल मार्केट भी है फ्यूचर के लिए, तो दोस्तों वहाँ पे जो है चाइना का काफ़ी टाइम से डोमिनेंस चल रहा था, लेकिन अब इंडिया का वहाँ एंट्री हो चुका है और इंडिया भी अपना धीरे धीरे चाइना के डोमिनेंस को वहाँ पर कम कर रहा है, जिसकी वजह से फिर चाइना किलस जाता है। एंड दोस्तों फिर आप समझ सकते हैं कि जब वो इरिटेट हो जाता है तो फिर वो अलग अजीब अजीब तरीके के स्टेटमेंट देने लगता है और इंडिया को वार्न करने लगता है अलग अलग मेथड से। तो दोस्तों अगर मैं सूडान की बात करूँ जो कि अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री है, तो वहाँ के जो ऑयल और नेचुरल गैस जो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं, तो दोस्तों वहाँ पे इंडिया का टोटल कंट्रोल है,
एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल इंडिया का ही है। पहले वहाँ पे चाइना का हुआ करता था, जिम्बाब्वे में भी चाइना का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ जो इंडियन कंपनीज है वो चाइना के डोमिनेंस को कम कर रही है। तो वहाँ पर भी दोनों के बीच में जद्दोजहद चल रहा है कि अफ्रीका पे कौन राज करेगा, क्योंकि अफ्रीका जो है वो काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि लेस डेवलप्ड कंटिनेंट है। अगर हम बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट की बात करें तो उनके जो कंट्रीज हैं अफ्रीका में वो बहुत ही अभी लेस डेवलप्ड है, अभी वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट बाकी है। तो चाइना चाहता है कि वहाँ पे उसका डोमिनेंस हो, इंडिया चाहता है कि इंडिया का डोमिनेंस हो, लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो दोनों का वेलकम करते हैं क्योंकि उनको तो डेवलपमेंट चाहिए, उनको इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मैंने जानबूझ के आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि ये जो पार्ट वन में मैंने तीन कारण बताए थे, इंडिया यूएस रिलेशनशिप, कोरोना वायरस एंड जो बॉर्डर अभी डिस्प्यूट हुआ है, कि ये तीन कारण अभी के थे जिसकी वजह से बॉर्डर टेंशन हुआ। और ये जो मैंने पाँच ही कारण आपको बताया, दलाई लामा तिब्बत को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर, इंडियन ओशियन को लेकर, पाकिस्तान फैक्टर और अफ्रीका फैक्टर, ये सभी फैक्टर जिसकी वजह से पहले भी कन्फ्लिक्ट हुए हैं और इन फ्यूचर भी अगर इन मसलों को नहीं सुलझाया गया तो इन पे इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहेगा। तो दोस्तों इन सभी को सुलझाना थोड़ा सा काफ़ी आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ठीक है, डिप्लोमेट लेवल पे बातचीत होती रहती है इंडिया और चाइना के बीच में, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सुलझे भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं सुलझा है, बहुत सारे मुद्दे बातचीत के थ्रू सुलझा है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये जो मुद्दे हैं इनमें से भी कुछ सुलझ जाए ताकि इंडिया और चाइना दोनों ही डेवलपमेंट कर पाएँ और कन्फ्लिक्ट कम हो, क्योंकि दोस्तों कन्फ्लिक्ट जो होता है वो किसी भी कंट्री के हित में नहीं होता, चाहे वो इंडिया हो या चाइना हो। चाइना चाहे इंडिया को वॉर्न करता हो वो अलग बात है, लेकिन अगर इंडिया स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है तो चाइना को इससे लॉस होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर आपको कुछ सजेशन देना तो कमेंट जरूर करें, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी ना करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।